हमारा एक बजट था कि 500 रुपये का पूरे महीने चलता है हमारा, तो अब ये 700-800 रुपये हो गया हमारा, तो बजट में तो हमारे खर्चे में से तो बढ़ा ही नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ तो देखना पब्लिक के वास्ते, पेट्रोल बढ़ रहा, पूरा पब्लिक को बहुत परेशानी में है। ये बहुत गलत बात है एक कॉमन मैन के लिए जो सैलरीड है या इवन कोई बिजनेस मैन है, ये बहुत डिफिकल्ट है हर इंसान के लिए इस प्राइस को अप करने के लिए। अब तो बहुत पिंच कर रहा है इतना, वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। अब जैसे भी करना है इनको डाउन लाना चाहिए, नहीं तो उनको इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। आज हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले 5 से 6 दिन में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उससे तो यही लगता है कि पेट्रोल 100 को भी टच कर जाएगा। आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसको पूरा एनालाइज करेंगे कि सरकार इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर बात करेंगे कि पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, और पिछले 2 से 3 दिन में आप देख ही रहे होंगे कि पेट्रोल के दाम 2 से 3 रुपये हर जगह बढ़ चुके हैं। मोस्टली पेट्रोल के रेट्स इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल्स के रेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर क्रूड ऑयल कच्चा तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल के रेट सस्ते होते हैं, अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल का रेट महंगा होता है। बट इस बार कुछ अलग हो रहा है, तो जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से पेट्रोल के रेट इतने बढ़ रहे हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके कारण से ऑयल प्राइसेस में इतनी आग लगी हुई है और पूरी जनता ताहिमाम कर रही है। सबसे पहला कारण है अमेरिका का ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म करना। ईरान पूरे विश्व में 2.5 मिलियन ऑफ बैरल ऑयल एक दिन में प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 4% है। अब जो कि कम होकर 1 मिलियन रह चुका है, और अमेरिका पूरे विश्व के देशों पर यह दबाव डाल रहा है कि ईरान से कच्चा तेल आप कम खरीदो या ना के बराबर खरीदो। अगर मैं कच्चे तेल की कीमत की बात करूं तो 77.39 USD पर बैरल इसका कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा रुपया गिरता जा रहा है। आज $1 की कीमत 72 रुपये हो चुकी है, जो कि सबसे निचले स्तर पर है। आज़ादी के बाद पहली बार हमारा रुपया इतना नीचे गिरा है। आज $1 की कीमत जो 72 रुपये है, 1947 में $1 की कीमत 1 रुपये होती थी, और 2000 की बात करूँ तो 45 रुपये की होती थी, और 2014 में इसकी वैल्यू 61 रुपये हो गई, और आज हमारा डॉलर 72 रुपये 30 पैसे का हो चुका है। आखिर हमारा रुपया इतना क्यों गिर रहा है, इसका पूरा विश्लेषण मैं एक दूसरे वीडियो में करूँगा। आज हम बात करेंगे कि हमारे पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि विश्व के तेल बाज़ार में कच्चे तेल के दाम में एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। अगर मैं 2014 की बात करूं तो $99 पर बैरल का रेट था, 2015 में 52.35 बैरल पर डॉलर का रेट हुआ, 2016 में $43.55 पर बैरल हुआ, और 2017 में $54.25 पर बैरल हुआ, और 2018 में इसका रेट $71.70 पर बैरल हुआ। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2014 में $99 पर बैरल रेट था और 2018 में $71 हो गया, तो 2014 में तो रेट ज़्यादा होना चाहिए और 2018 में रेट कम होना चाहिए, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। चौथा सबसे मेन रीज़न है कि वेनेजुएला से तेल का सप्लाई कम होना। वेनेजुएला के पास पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, और वेनेजुएला ने अपनी सप्लाई बहुत कम कर दी है। ऐसा इसलिए हुआ है कि वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के नागरिकों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी है, जिसके कारण से वेनेजुएला ने अपनी सप्लाईज कम कर दी है। चलिए बात करते हैं कि हमारा पेट्रोल हमारे तक आते आते इतना महंगा क्यों हो जाता है। एक बैरल के अंदर 160 लीटर पेट्रोल होता है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इसको 26.40 रुपये में डीलर को ट्रांसफ़र करती है। डीलर इसको 29.60 रुपये में आगे ट्रांसफ़र करता है, 2.5 रुपये का अपना मार्जिन इस पर रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर 21.48 रुपये का एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिसके बाद ये 51 रुपये पर लीटर हो जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट इस पर 14.5 रुपये का वेट लगाती है, जो कि 68.15 रुपये का ये हो जाता है फाइनल कंज्यूमर तक आते आते। अगर मैं बात करूँ पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर 105% और डीजल के ऊपर 330% एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिसके कारण दिन पर दिन पेट्रोल के प्राइसेस और महंगे होते चले गए। अगर मैं 2014 की बात करूं तो उस समय $99 प्रति बैरल कच्चा तेल हुआ करता था, उसके बावजूद हमारा पेट्रोल का दाम 71.41 रुपये के आसपास था, और 2018 में जबकि ये 77
डॉलर प्रति बैरल है, उसके बावजूद हमारा पेट्रोल का दाम 77 रुपए के आसपास है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक्साइज और वेट लगाई हुई है, उसके कारण हमारा पेट्रोल का दाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और आगे हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर पेट्रोल प्राइसेस को कम करना है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर अपने एक्साइज ड्यूटी और अपने वेट में कटौती करनी पड़ेगी। अगर मैं जीएसटी के मौजूदा टैक्स स्लैब की बात करूं तो 28% इसका सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब है। एक्साइज ड्यूटी और वेट को अगर मैं मिला दूं तो दोनों 28% को भी क्रॉस कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सबसे पहले कम करें। और गवर्नमेंट सेकंड सबसे बड़ा स्टेप ले सकती है कि पेट्रोल के प्राइसेस को जीएसटी के अंदर लेके आए, और अगर सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब 28% का भी लगाएं तब भी आज के मुकाबले पेट्रोल के प्राइसेस 10 से 20 रुपए जरूर कम होंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कारण हैं, इसके पीछे गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए इसको कंट्रोल करने में, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं।